Irwawi. Aao, suno kahani. Jahan hai, darpok raja, bahadur rani, aur urti machli, aur tairti sherni. Aao, suno kahani. क्या सभी भारी चीजें पानी में डूब जाती है? विशालकाय जहाज समुद्र में तैरते रहते हैं, आप उन्हें हल्का नहीं कह सकते, क्या आप कह सकते? तेंजिन और ताशी, दो तिब्बती भिक्षु, और जेनला इसके बारे में जानने को उत्सुक है। उन्होंने इसे कागज की नावों, एक सेब यानी कि एप्पल, एक चम्मच, पानी से भरी हुई एक परात की मदद से जाना। आप जानना नहीं चाहते? सुनते हैं कहानी तैरते जहाज डूबते चम्मच। ओरिजिनल स्टोरी सेलिंग शिप्स एंड सिंकिंग स्पून्स बाय जैमयांग ग्लैटसेन। चित्रांकन ग्वावांग दोर्जी। हिंदी अनुवाद निर्मला शुक्ला। प्रकाशन प्रथम बुक्स। कहानी के वाचक असावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.booksthatspeak.com। चलिए सुनते हैं कहानी तैरते जहाज और डूबते चम्मच की। तेंजिन और ताशी दो छोटे तिब्बती भिक्षु थे। वे एक खूबसूरत हरे भरे पहाड़ के एक छोटे से बौद्ध मठ में रहते थे। जब यहाँ बारिश होती थी तब यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती थी। एक सुबह जब ताशी खिड़की से बाहर झांक रहा था तब बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मिट्टी के रास्ते में जहाँ भी पानी ने रास्ता बनाया वहाँ नाले बन गए। ताशी दोपहर में समय बिताने के लिए कागज की नाव चलाने से बेहतर और कोई काम सोच ही नहीं पाया। ताशी और तेंजिन ने कागज की बहुत सी नावें बनाई। जैसे ही बारिश खत्म हुई लड़के बाहर भाग गए। उन्होंने कागज की जो भी नावें बनाई थी वे उन्होंने पानी में चलाई, कुछ बड़ी कुछ छोटी। नावें बड़े आराम से रास्ते में चल रही थी। दोनों छोटे भिक्षु खुश थे। जैसे ही वे घर वापस आए वे जैन लोबजांग को देखकर चकित हुए। जेनला बौद्ध मठ में रहते थे और बच्चों को सबसे बढ़िया कहानियां सुनाते थे। जेनला, तेंजिन चिल्लाया, क्या आप हमें इस बारे में कहानी सुना सकते हैं कि नाव क्यों बहती है? जेन लोबजांग ने एक मिनट के लिए सोचा और कहा, मैं नहीं जानता कि जहाज क्यों तैरते हैं, लेकिन मैं इसे जानने के लिए उत्सुक हूं। अभी एक शब्द है जेनला, जिसका अभी जिक्र हुआ कहानी में, उसके बारे में। तिब्बती भाषा में अध्यापक को विनम्रता से पुकारने का तरीका है जेनला। जेनला और बच्चों ने विज्ञान के शिक्षक मिस सोनम से पूछने का निर्णय लिया, शायद वो जानती हो कि नाव कैसे तैरती है। तेंजिन और ताशी ने धीरे से जेन लोबजांग को उनकी कुर्सी से उठाया। उन्होंने उनके हाथ पकड़कर चलने में उनकी मदद की। जब वे उनके कमरे में पहुंचे मिस सोनम एक किताब पढ़ रही थी। ताशी डेलिक, जेनला ताशी और तेंजिन ने कहा। ताशी डेलिक, उन्होंने कहा, हमारे पास आपके लिए एक प्रश्न है, जेनला ने कहा। अब एक शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे ताशी डेलिक, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। ये तिब्बतियों का अभिवादन करने का एक सामान्य तरीका है। ताशी का अर्थ है अच्छा भाग्य और डेलेक का अर्थ है अच्छा होना। आगे देखते हैं। हाँ, क्या आप हमें बता सकती है कि नाव पानी में कैसे तैरती है मिस, तेंजिन ने पूछा। मैं बताऊं या फिर हम मिलकर इसका उत्तर ढूंढे? इससे पहले कि वे कुछ जान पाते मिस सोनम निर्देश देने लगी। तेंजिन, कृपया रसोई से एक चिलमची या परात ले आओ। ताशी, कृपया एक छोटी बाल्टी
पानी से भरकर ले आओ। जेनला, इस सेब को आप पकड़े, कृपया इसे खाए नहीं। मिस सोनम ने ताशी को परात ऊपर तक भरने को कहा। अब जेनला, कृपया सेब को परात में डुबो दे, उन्होंने कहा। इसे पानी में अच्छी तरह से भीगने दे। जेनला ने धीरे से फल को परात में डाला और उसे अपनी छोटी उंगली से नीचे को धकेला। कुछ पानी फैल गया। ताशी और तेंजिन जोर से चिल्लाए, पानी बाहर निकल रहा है। जेनला ने सेब को बह जाने दिया और वो ऊपर आ गया। मिस सोनम मुस्कुराने लगी। यहां क्या हुआ, उन्होंने पूछा। जेनला ने सेब को पानी में धकेला, तेंजिन ने कहा। पानी फैल गया, ताशी ने कहा। सेब तैर रहा है, जेनला ने कहा। आप सभी एकदम सही है, मिस सोनम ने कहा। अब क्या तेंजिन, तुम मुझे बता सकते हो कि कितना पानी बहा? क्या ये आधा कप था या एक कप? तेंजिन ने टेबल और जमीन के पानी को देखा। उसने कहा, शायद एक कप। ये ठीक है, मिस सोनम ने कहा। जेनला और ताशी ने सहमति में सिर हिलाया। अब सेब को बाहर निकाल लो। ताशी, टब को फिर से भर दो। तेंजिन, क्या तुम इस चम्मच को पानी में डाल दोगे? तेंजिन ने ऐसा ही किया। चम्मच नीचे डूब गया। बहुत भारी है, जेनला ने कहा। समुद्र में जहाज के जितना भारी नहीं है, तेंजिन ने कहा। इस बार बहुत थोड़ा पानी फैला, एक चौथाई कप के बराबर भी नहीं, ताशी ने थोड़ा उदास होकर कहा। आप सभी फिर से ठीक कह रहे हो, मिस सोनम ने कहा। उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या आपने देखा जेनला के पानी में सेब डालने के बाद सेब ने तैरने से पहले थोड़ा पानी बाहर फैलाया? क्या उसी वजह से पानी फैला, तेंजिन ने कहा। हाँ, इसीलिए सेब तैर पाया, क्योंकि उसने अपने वजन से ज्यादा पानी बाहर निकाल दिया था। इसका मतलब सेब उस पानी से हल्का है जो पानी उसने बाहर निकाला है। फिर चम्मच का क्या हुआ, जेनला ने कहा। ठीक, चम्मच ने भी कुछ पानी बाहर फेंका, लेकिन बहुत कम, अपने वजन से कुछ कम, इसलिए वो डूब गया। समुद्र में बड़े जहाजों का क्या होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तेंजिन ने कहा। चम्मच जो डूब जाते हैं, ताशी ने जोड़ा। जहाज बहुत सारे पानी को धकेलने के लिए काफी बड़ा होता है। फिर से सेब की तरह अपने वजन से ज्यादा पानी, तुमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। जहाज जो पानी धकेलता है वो उससे थोड़ा सा हल्का होता है। थोड़ी देर के लिए वे सभी चुप हो गए। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं, तेंजिन ने धीरे से कहा। क्या हम अभी कुछ नावें तैरा सकते हैं, ताशी ने कहा। ये मेरा चाय पीने का समय है, जेनला ने कहा। मिस सोनम मुस्कुराई। हाँ हाँ, मजे करो, उन्होंने कहा, और लड़कों को नाव बनाने के लिए रंगीन कागज दिए। तेंजिन और ताशी ने और बहुत सी रंगीन नावें बनाई और उन्हें पानी में तैराया। अब मुझे कोई पानी फैलाता हुआ नहीं दिख रहा है, ताशी ने कहा। नहीं बुद्धू, पानी हमेशा फैलता नहीं है, ये दूर धकेलता भी है, तेंजिन ने जवाब दिया। मैं सोचता हूं कि नावे धारा में सिर्फ अपने लिए जगह बनाती है, जेनला ने कहा। वे नीली और पीली नावों को, लाल और हरी नावों को और सफेद नावों को तैरते हुए देख रहे थे, जैसे धारा में प्रार्थना के झंडे तैर रहे हो। बच्चों, अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। अगर तेंजिन एक पेड़ के ऊपर से एक फुटबॉल नीचे फेंके, तब क्या होगा? क्या यह जमीन पर गिरेगी या फिर आसमान की तरफ चली जाएगी? ये गुरुत्वाकर्षण के जोर से नीचे गिरेगी, बराबर।
क्या आप जानते हैं कि सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर खींचती है? अभी देखते हैं उछाल क्या है। यदि ताशी एक फुटबॉल को पानी की एक बाल्टी में फेंके तब क्या होगा? क्या गुरुत्वाकर्षण फुटबॉल को बाल्टी के नीचे खींच लेगा? हाँ, लेकिन पानी में ऊपर की तरफ धकेलने वाली एक शक्ति होती है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करती है, इसे उछाल कहते हैं। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण फुटबॉल को नीचे की तरफ खींचता है, उछाल उसे ऊपर की तरफ धकेलता है। फुटबॉल के लिए उछाल गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए यह तैरती है। यदि ताशी बाल्टी में एक ईंट डाले तब क्या होगा और क्यों? स्थानांतरित करना यानी अपने स्थान से हटाना क्या होता है? जब आप किसी वस्तु को पानी में डालेंगे, वो पानी को हटाकर उसमें अपने लिए स्थान बनाएगी। दूसरे शब्दों में, कोई वस्तु पानी में अपना स्थान बनाने के लिए उसे हटा देगी। बड़ी वस्तुएं जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट की गेंद जैसी किसी छोटी वस्तु की बजाय ज्यादा पानी हटाएगी। बहुत समय पहले आर्किमिडीज नाम के एक ग्रीक वैज्ञानिक ने यह पाया कि जब पानी का भार किसी वस्तु द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और वो वस्तु के भार से ज्यादा होता है तब वो वस्तु तैरती है। इसीलिए सेब पानी में तैरता है। क्या आप सोच सकते हैं कि दूसरी वस्तुएं क्यों डूब जाती है? घनत्व क्या है? घनत्व यानी कि डेंसिटी। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं छोटे छोटे अणुओं से बनी है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती है। किसी वस्तु के अणु कितने पास पास रहते हैं उसे ही घनत्व कहते हैं। ताशी के कंचे का भार शायद मिस सोनम के सेब के बराबर ही होगा, लेकिन सेब बड़ा क्यों है? क्योंकि सेब के अणुओं के बीच ज्यादा जगह है। कंचे में अणु एक दूसरे के काफी करीब है। एक सेब का एक कंचे से कम घनत्व है। ज्यादातर पास पास अणु वाली वस्तुएं पानी में डूब जाती है। यहां एक खेल है जिसे आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। चार या पांच वस्तुएं ले ले, अनुमान लगाए कि कौन सी वस्तुएं तैरेगी और कौन सी डूब जाएगी, फिर इसे जांचने के लिए एक बाल्टी में उन्हें डाल दे और मजे करे। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियां? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवाउ एरवाउ।